वो जो भी है या जहां भी है वो एक गलती जरूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे एक ऐसे सीरियल किलर की जो बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार डालता है, और इस थ्रिलर का या इस फिल्म का नाम है कठपुतली। 2 सितंबर 2022 को फिल्म आने वाले शुक्रवार के दिन डिजनी प्लस हॉटस्टार पर अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म है। अक्षय कुमार यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, और बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की कसौली शहर की। कसौली और कसौली शहर में हिमाचल प्रदेश में दो घटनाएं हो चुकी है, खूनी वारदात हो चुकी है बच्चों की। अब पूरा पूरा हिमाचल प्रदेश और पूरा पूरा कसौली सत्ते में है कि अब ये जो किलर है ये क्या करने वाले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो पुलिस वहां तक पहुंचती है, ये ऐसा सीरियल किलर है, ये डेड बॉडी खुद पुलिस तक पहुंचा रहा है, यानी कि वो अपना वर्चस्व, अपना वजूद बताना चाह रहा है, या अपना जो भय है या दहशत दिखाना चाह रहा है। और अब अक्षय कुमार पर पूरा दारोमदार है, और अक्षय कुमार की इस पुलिस गैंग की टीम में आपको जो कुछ नाम नजर आएंगे, चंद्रचूर सिंह बहुत वक्त के बाद नजर आ रहे हैं, इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह भी है इस फिल्म में और इस ट्रेलर में भी नजर आ रही है। इसके अलावा कुक्की पाजी है, कुक्की पाजी जो है वो भी शायद इस फिल्म में है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्रेलर काफी थ्रिलिंग है। उसमें अलावा एक और नया एक्टर है जो थोड़ा एक टीचर की तरह रोल निभाया टीचर का, तो वो जो एक है वो भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। शायद वो ओरिजिनल फिल्म में जो मेन विलन है वो ही यहाँ पे ये है। जो भी हो सकता है, सबने जो फिल्म देखी इसमें वो तो पता ही है कि कौन क्या हो सकता है। अब बात ये है कि हमको पता है कि थ्रिलर कौन है या खूनी कौन है, और यूट्यूब पर भी फिल्म रत्सासन अवेलेबल है तमिल तेलुगु वर्जन में, 2018 की फिल्म जिसका ये रिमेक है। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से फिल्म बनाई गई, क्या क्या चीजें यूज की गई। जो ट्रेलर जो है वो मुझे काफी ठीक लगा है, नॉट एट ऑल बैड विदाउट ए डाउट। और रंजीत एम तिवारी ने बेलबॉटम में भी अच्छा डायरेक्शन किया था, यहाँ पर भी अच्छा डायरेक्शन किया। मुझे पता है ये प्रॉपर जिस तरह की फिल्म है, ये ओटीटी ही फिल्म है, और जो विजुअल्स मैंने देखे है वो हिमाचल प्रदेश के, मुझे बहुत अच्छे लगे। कई सारे जो सीन्स है वो लंदन या बाकी सारी जगह इंडिया के बाहर फिल्माए गए है, और स्पेशली वो रेल ट्रैक वाला जो सीन है वो बाहर फिल्माया गया है। तो ऐसे कई सारे सीन्स है जिसको देखकर आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन जो शूटिंग के कुछ फोटोज हमें मिले तो उससे साफ पता चलता है कि इसका हिमाचल प्रदेश ना लंदन में बना लिया गया है कई सारी जगह। तो मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह शॉट हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश में कुछ ही सीन शूट हुए हैं कसौली के, बाकी सारा शूट मेरे ख्याल से 70-80% इंडिया के बाहर शूट हुआ है। तो ये फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है, 2 सितंबर को आने वाली है जरूर बताएगा। और ट्रेलर को लेकर बात करें रेटिंग क्या रहेगी, तो मुझे लगता है ट्रेलर हर तरह से डिजर्व करता है 3.5 स्टार। अक्षय कुमार का सीधा सारा सिंपल लुक, सीएस लुक मुझे काफी पसंद आया है। बाय बाय।